में बाढ़ में जो नदियों में उफान आया है, नदियों में जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कैटल स्मगलिंग में। बांग्लादेश जो कि अपने आप को भारत का मित्र बताता है, उसकी असलियत यह है कि जो लोग भारत में कैटल स्मगलर गिने जाते हैं उनको बांग्लादेश मानता है ट्रेडर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए स्वैन रिएक्शंस। बेसिकली जैसे ही ईद करीब आती है इंडिया की जानिब से ये राग जो है अलापा जाता है कि बांग्लादेश में जी इंडिया की जो कैटल्स हैं वो स्मगल हो रही हैं। इंडिया की बहुत ही एक्सपेंसिव कैटल कंटिन्यूसली बांग्लादेश जो है स्मगल कर कर के लेके जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे एक और इल्ज़ाम है जो कि बांग्लादेश पे लगाया जा रहा है, जो फ्लड्स बांग्लादेश में आते हैं उसका बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है और पानी इतना होता है कि एक कैटल वहाँ से आराम से गुजर सकती है। तो उनके अकॉर्डिंग जी फ्लड बांग्लादेश को बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं वहाँ से कैटल्स को ठीक है उनकी टांगे शांगे बांध के वहाँ से छोड़ देते हैं, और जब वो बांग्लादेश की हदूद में एंटर होती हैं तो वहाँ से कैटल्स को जी रिसीव कर लिया जाता है, इंडिया की जो स्मगल्ड कैटल्स हैं उनको रिसीव कर लिया जाता है। तो इस तरह ये इंडिया के लिए तो बहुत पेनफुल चीज़ है, लेकिन बांग्लादेश इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे क्योंकि ईद का मौका है तो ईद पे कुर्बानी का जानवर हर किसी को चाहिए होता है, तो इसी चीज़ को लेके इंडिया हमेशा से ही ये रिपोर्टिंग करता आया है कि बांग्लादेश जो है स्मगलिंग कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, बांग्लादेश वो कर रहा है। ठीक है, अभी इसी को लेके ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पहले देखेंगे, इस पर फिर मैं मज़ीद अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ओपिनियन आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों आपको जानकारी है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी आई हुई है बाढ़। नदियां चूंकि भारत से होकर बांग्लादेश में जाती हैं, इसलिए स्वाभाविक है बांग्लादेश में भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन जहां एक तरफ बाढ़ से बर्बादी आ रही है भारत में, लेकिन उसके ठीक विपरीत बाढ़ से आबाद हो रहा है बांग्लादेश। बाढ़ के जरिए बांग्लादेश में जोरों से हो रही है कैटल स्मगलिंग। 50,000 गाय और भैंसों को बांग्लादेश में चोरी छुपे ले जाया गया है। स्वाभाविक है यह जो 50,000 का आंकड़ा है उसमें मेजोरिटी संख्या गायों की है। भारत से बड़े पैमाने पर गौ तस्करी की जा रही है बांग्लादेश में। बाढ़ में जो नदियों में उफान आया है, नदियों में जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कैटल स्मगलिंग में। एक गाय अथवा भैंस जिसकी स्मगलिंग की जानी है उसके दोनों तरफ बांध दिया जाता है केले का तना, ताकि वह नदी में डूबे ना, और इस प्रकार उन्हें उफनती हुई नदी में छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही यह गाय भैंसें बॉर्डर पार करके बांग्लादेश पहुंचती हैं, उन्हें नदी से निकालकर बेच दिया जाता है। बांग्लादेश जो कि अपने आप को भारत का मित्र बताता है, उसकी असलियत यह है कि जो लोग भारत में कैटल स्मगलर गिने जाते हैं उनको बांग्लादेश मानता है ट्रेडर। मतलब उनके लिए पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। भारत से स्मगल की गई गाय और भैंसों को बेचने में उन्हें बांग्लादेश में रत्ती भर दिक्कत नहीं आती है। एक और जहां 50,000 गाय भैंसों की स्मगलिंग बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश को अनाप शनाप मुनाफा हो रहा है, उसके बावजूद वह भारत को दोषी ठहराता है बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए। यदि भारतीय नदियों में पानी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हम जो है बांध के दरवाजे खोलेंगे। बांग्लादेश को यदि बाढ़ से दिक्कत है तो वह अपनी नदियों को गहरा बना सकता है। मतलब यह अपनी नदियों में ड्रेजिंग नहीं करेंगे, अपनी नदियों को गहरा नहीं बनाएंगे ताकि उनसे पानी आसानी से निकल जाए, बल्कि यह बार बार हर साल भारत को दोष देते हैं बाढ़ के लिए। भारत को बाढ़ के लिए भी दोष देते हैं, साथ में उस बाढ़ से मुनाफा भी कमा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश का दो तरफा लाभ हो रहा है, पहले भारत को बदनाम करो, दूसरा भारत से पैसा कमाओ। अब यह जो कैटल स्मगलिंग की प्रॉब्लम है उससे निपटने में बीएसएफ को भी दिक्कत आती है। दिक्कत यह है कि जब नदी में पानी उफान पर रहता है तो नदी में घास फूस पेड़ों के तने पत्तियां सभी बहते हैं, तो उसमें रात के दौरान जब यह स्मगलिंग की जाती है
तब यह पहचान पाना मुश्किल होता है कि गाय और भैंसे किस प्रकार से कहाँ स्मगल की जा रही हैं, तो हमारे तरफ भी दिक्कत है। लेकिन चूंकि यह समस्या है और इस समस्या के बारे में सबको पता है, भारत सरकार को भी पता है, इसलिए कम से कम हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे भविष्य में यदि बांग्लादेश भारत से अपना कोई काम निकलवाए, भारत से मदद मांगे, तो हमने बांग्लादेश से पूछना चाहिए कि यह जो कैटल स्मगलिंग के जरिए आप जो भारत से मुनाफा कमा रहे हो वो कब रुकेगा? आखिर भारत से होने वाली कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए आप अपने देश में क्या कर रहे हो? क्योंकि भारत ना तो बाढ़ को रोक सकता है, ना नदियों में बहते हुए पानी को रोक सकता है। जब तक बांग्लादेश मदद नहीं करेगा, तब तक इस कैटल स्मगलिंग को रोकना असंभव है। इसलिए बांग्लादेश हमारी मदद करे, तो मदद करने के लिए मजबूर करना होगा भारत को। जब तक बांग्लादेश भारत को कैटल स्मगलिंग रोकने में मदद नहीं करता, तब तक भारत ने अन्य किसी भी क्षेत्र में बांग्लादेश को मदद नहीं देना चाहिए। वह एक बेहतर जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बांग्लादेश जी 50,000 कैटल्स हर साल स्मगल कर रहा है इंडिया से, और बाढ़ जो है उससे फुल फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे इनका कहना है कि ये नदियों को गहरा नहीं करते, बांग्लादेश की जाने से नदियों को गहरा नहीं किया जाता ताकि जो कैटल्स हैं वो आसानी से आ सकें, आ जा सकें। तो यहाँ इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे कि जिसको इंडिया स्मगलिंग बोलता है बांग्लादेश में उसको ट्रेडिंग बोला जाता है, और फुल सपोर्ट किया जाता है इस चीज़ को। जो भी कैटल्स बांग्लादेश में आती हैं उस चीज़ को फुली सपोर्ट किया जाता है, और उसमें कोई भी जो होती है ना रुकावट नहीं आती उसको सेल करने में, ठीक है, उसको बाइंग करने में। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो कि इंडियन मीडिया कहता है वो दिखाई दे रहा है, और क्योंकि बांग्लादेश की जानिब से हमेशा कहा जाता है, और मैं भी यही कहती हूँ कि इंडिया के फ्लड की वजह से बांग्लादेश के जो इलाके हैं वो भी फ्लड का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तबाही होती है। लेकिन यहाँ पे अब इंडिया ने एक और इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगा दिया है, और साथ ही इन्होंने कहा कि जब भी अब बांग्लादेश से बात होगी तो इनसे पूछा जाएगा कि आप कैटल स्मगलिंग कब रोकेंगे इंडिया से, जो हर साल आप इतना मुनाफा कमा रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे एक और सवाल है मेरा इसी इंडियन मीडिया से कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बांग्लादेश के पानी से, और उससे जो लाखों करोड़ों डॉलर्स जो हैं कमाए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो मुनाफा जो इंडिया हासिल कर रहा है वो कमाना इंडिया कब स्टॉप करेगा? तो ये जवाब मुझे लाजमी चाहिए। आप में से कोई भी मेरी बात से एग्री करता है, जो भी एग्री करता है लाजमी बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। और इंडियन मीडिया की जानिब से यही राग अलापा जाता है कि बांग्लादेश में जी हमारी चीज़ें, हमारी जो काउज़ हैं स्मगल हो रही हैं, और हमारी जो मदर्स हैं, ठीक है, क्योंकि काउ को माता का दर्जा दिया गया है इंडिया में, तो इसलिए वो इस चीज़ को काफ़ी 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 ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, और तो इस बारे में कभी बात नहीं की जाती कि एक तरफ तो बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, काउज जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उनके साथ ऐसा होता हुआ हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि कितने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं इंडिया के, और हो सकते हैं इनमें से कुछ बात भी करती हूँ। वेल, मैंने अभी तक एज सच किसी को इस बारे में बात नहीं करते देखा कि एक्सपोर्ट भी हो रही है मीट, और साथ ही काऊ की जो अहमियत है उस पर भी बातें की जाए। तो क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, दिल खोल के शेयर करना है, ताकि और भी लोगों को पता चले कि इंडियन मीडिया की जानिब से बांग्लादेश पे क्या इल्ज़ाम है जो लगाए जा रहे हैं, और जो मेरा सवाल है शायद उसका भी जवाब मिल सके। तो लाजमी दिल खोल के वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।